अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो, आपने 5 फरवरी 2020 को बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए एग्ज़ाम दिया है, आंसर की का मिलान करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देख सकते हैं। यह प्रश्न पत्र कोड डी है, आपका कोई भी कोड हो इनसे लेना देना नहीं है, सबका क्वेश्चन सेम है, सिर्फ नंबरिंग चेंज है। तो चलिए हम आंसर इनका जानते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है कि पक्षियों तथा तितली का डैना कैसा अंग है। पक्षियों तथा तितलियों ये जो है कैसा अंग है, चार ऑप्शन आपके सामने में है। कह रहा है कि एटाविस्टिक अंग ऑप्शन ए है, और ऑप्शन बी है अवशेषी अंग, और सी है समजात अंग, और डी है असमजात अंग। तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि असमजात अंग, देखिए तितली हो गया, पक्षी हो गया, इनके जो पंख होते हैं ये असमजात अंग होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर कह रहा है कि पक्षियों तथा तितली का डैना ये आपको असमजात अंग होंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव नंबर दो है कि मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है। तो देखिए इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, स्पोरोजोइट। अब ऑब्जेक्टिव नंबर तीन, यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है कि ZZ/ZW तरह का लिंग निर्धारण किस में देखा गया है। तो यह मोर में देखा गया है, पिकॉक में। तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा मोर में। चार ऑप्शन ऐसे है, घोंघा में, तिलचट्टा में, मनुष्य में, तो यह मोर में होगा। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव नंबर चार, कह रहा है कि वायु परागण किस में नहीं होता है। तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी, सेलिबिया में नहीं होता है। यहाँ पर चार ऑप्शन है, घास है, मक्का है, गेहूं है, सेल्विया है, तो ऑप्शन होगा डी। देखिए आंसर तैयार करने में पूरी सावधानी बरती गई है, फिर भी कोई मिस हो जाए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कमेंट बॉक्स में जो एक दो आंसर गलत हो जाएंगे उनका जो है जवाब पिन कर दिया जाएगा। तो पाँच में कि गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है, तो पाँच का ऑप्शन होगा आपको डी, मिथेनोजेंस। उसके बाद ऑब्जेक्टिव नंबर सिक्स है कि पुनर्योगज डीएनए टीके क्या है, ये एक्सोजोनिक प्रोटीन। उसके बाद ऑब्जेक्टिव नंबर सात है, कह रहा है कि निम्नांकित में कौन द्विगुणित संरचना है। निम्नांकित में कौन द्विगुणित संरचना है, चार ऑप्शन है आपके सामने, ए में है शुक्राणु, बी में है अंडाणु, और सी में है युग्मनज, और डी में है भ्रूणपोष। आप लोग अपने क्वेश्चन को पलट लीजिए, देखते जाइए और टिक मारते चलिए। तो सात का सही ऑप्शन आपको होगा सी, युग्मनज। अब ऑब्जेक्टिव नंबर आठ है, कह रहा है कि ओकाजाकी फ्रेगमेंटस कब बनता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंटस कब बनता है, तो इसका ऑप्शन आपको होगा डी, बी और सी दोनों। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में बाय स्थाने संरक्षण का उदाहरण है। तो चार ऑप्शन आपके सामने में है, पवित्र उपवन, राष्ट्रीय उद्यान, बीज बैंक, और इनमें से सभी। तो देखिए बाय स्थान संरक्षण का उदाहरण जो है आपको हो गया आपको बीज बैंक। ऑब्जेक्टिव नंबर 10 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कि निम्नांकित में कौन कैंसर कोशिकाएं हैं, निम्नांकित में कौन कैंसर कोशिकाएं हैं। आप लोग अपने इस क्वेश्चन को पलट लीजिए। देखिए 10 का सही चार ऑप्शन है, प्लाज्मा कोशिकाएं, हेला कोशिकाएं, सी में है मेमोरी कोशिकाएं। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है टी कोशिकाएं, इसका सही ऑप्शन होगा। तो 10 का सही ऑप्शन आपको हो गया डी, आंसर होगा टी कोशिकाएं। अब ऑब्जेक्टिव नंबर 11 है, कह रहा है कि प्रकाश रासायनिक धुंध निम्नांकित में से क्या नहीं पाया जाता है। चार ऑप्शन है, PAN, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड।
तो 11 का सही ऑप्शन आपको होगा डी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए ऑब्जेक्टिव नंबर 12, पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं, पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने में है, हाइड्रिला, ट्रापा, नीलम्बो, बबूल। तो ऑप्शन डी होगा इनका सही आंसर, बबूल। अब ऑब्जेक्टिव नंबर ये देख सकते हैं 13 है कि आरएनए के आधार अनुक्रम AUCG CC UGA का सही आधार अनुक्रम डीएनए में क्या होगा। तो 13 का सही ऑप्शन आपको होगा बी, TAGCGACT। ऑप्शन बी हो गया। अब अगला ऑब्जेक्टिव यहाँ पर देख सकते हैं, तो कह रहा है कि ग्राफियन पुटक कहाँ पाया जाता है, ग्राफियन पुटक कहाँ पाया जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने में है, मानव वीर्षण में, और बी में है मानव अंडाशय में, सी में है मानव यकृत में, डी में है मेंढक के अंडाशय में। तो इसका ऑप्शन आपको होगा बी, मानव अंडाशय में। ऑब्जेक्टिव नंबर 15, जल में ई कोलाई की अधिकता किसकी सूचक है। चार ऑप्शन आपके सामने में है, पानी का खारापन, औद्योगिक प्रदूषण, वहित मल जल का मल जल प्रदूषण, डी में इनमें से सभी। तो 15 का सही ऑप्शन आपको होगा डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। चार ऑप्शन आपके सामने में है, ग्लूटेनिन, ऑप्शन बी है विटामिन ए, ऑप्शन सी है विटामिन ई, ऑप्शन डी है विटामिन सी। इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी, विटामिन ए। ऑब्जेक्टिव नंबर 17, कड़े की भ्रूण पोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है, भ्रूण पोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है। चार ऑप्शन है, एपोकार्पिक, बहुभ्रूणता, एंडोकार्पिक, और डी में है एंडोस्पर्मिक। तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी, एंडोस्पर्मिक। अब ऑब्जेक्टिव नंबर 18, अम्लीय वर्षा में पीएच कितना होता है। चार ऑप्शन आपके सामने में है, ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। तो 18 का सही ऑप्शन आपको हो गया सी, आंसर हो गया 5। अब ऑब्जेक्टिव नंबर 19, निम्न में से कौन प्रारंभ कूट है। तो इसका चार ऑप्शन है, UAG एवं UGA, ऑप्शन बी में है AUG एवं GUG, और ऑप्शन सी में है UAA ऑप्शन एवं UAG, ऑप्शन डी में है UAA एवं UGA। तो 19 का सही ऑप्शन आपको होगा बी। ऑब्जेक्टिव नंबर 20, कॉपर टी किससे बचाव का कार्य करता है, कॉपर टी किससे बचाव का कार्य करता है। चार ऑप्शन आपके सामने में है, अंडो उत्सर्ग, अंडों की परिपक्वता, ऑप्शन सी है निषेचन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 20 का सही ऑप्शन आपको होगा सी, निषेचन। अब ऑब्जेक्टिव नंबर 21, निम्नांकित किसमें पादप का अवगुणित होता है। चार ऑप्शन आपके सामने में है, शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट्स, और डी में है इनमें से सभी। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा डी। ऑब्जेक्टिव नंबर 22, सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है। चार ऑप्शन आपके सामने में है, ऑप्शन ए है फाइब्रोइन, फ्रीब्रोइन, 27 में जो पहला ऑप्शन है फ्रीब्रोइन, और ऑप्शन बी है एल्ब्यूमिन, ऑप्शन सी है ग्लोब्यूलिन, ऑप्शन डी है क्रिएटिन। तो इसका ऑप्शन होगा आपको ए, फ्रीब्रोइन। अब ऑब्जेक्टिव नंबर 23 देखिए, अपघटक कैसे होते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने में है,
स्वपोषक, ऑर्गेनोट्रोप्स, ऑप्शन सी है परपोषक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 23 का सही ऑप्शन आपको होगा सी परपोषक। अब ऑब्जेक्टिव नंबर 24, एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर में हैं वे क्या हैं। एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर में हैं वे क्या हैं, आपके सामने में चार ऑप्शन है, स्टेरॉयड, लाइपोप्रोटीन, ऑप्शन सी है ग्लाइकोप्रोटीन, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। इनका ऑप्शन होगा सी ग्लाइकोप्रोटीन। ऑब्जेक्टिव नंबर 25, निम्न में से कौन मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ है। 25 का सही ऑप्शन आपको होगा बी ट्रांसपोजोन। अब ऑब्जेक्टिव नंबर 26, निम्नांकित में से कौन जलीय जंगली घास है। चार ऑप्शन आपके सामने में है, ट्रांपा, हाइड्रिला, जलकुंभी। इनका ऑप्शन आपको होगा डी, बी और सी दोनों। अब ऑब्जेक्टिव नंबर 27 है कि कौन है कि निम्नांकित में कौन संकट ग्रस्त स्पीसीज है। निम्नांकित में कौन संकट ग्रस्त स्पीसीज है, तो देखिए इसका सही ऑप्शन जो है कि अभी मालूम नहीं है, बाद में पिन कर दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव नंबर 28, मनुष्य में एबीओ रक्त समूह क्या दर्शाता है। तो मनुष्य में एबीओ रक्त समूह क्या दर्शाता है, तो देखिए इसका भी आंसर में कंफ्यूजन है। अब ऑब्जेक्टिव नंबर 29, मनुष्य निम्नांकित में से किस ऑर्डर तथा किस मूल का सदस्य है। इसका ऑप्शन आपको होगा सी प्राइमेट्स तथा होमिनिडी। ऑब्जेक्टिव नंबर 30, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, चार ऑप्शन आपके सामने में है, राइजोम, जर, ट्यूबर, बल्ब। ऑप्शन ए होगा राइजोम। ऑब्जेक्टिव नंबर 31, पढ़ा कि किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है। चार ऑप्शन है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। तो 31 का सही ऑप्शन आपको होगा बी मीजोडर्म। ऑब्जेक्टिव नंबर 32, कह रहा है कि टर्नर्स सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होंगे। चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है 45, ऑप्शन बी में है 46, ऑप्शन सी में 47, डी में इनमें से कोई नहीं। इनका ऑप्शन आपको होगा ए 45। ऑब्जेक्टिव नंबर यहां पर 33 देख सकते हैं, कह रहा है कि निम्नांकित में किसकी अनुवांशिक विविधता भारत में अत्यधिक है। चार ऑप्शन है, गेहूं, दाल, चाय, आम। तो 33 का सही ऑप्शन आपको होगा डी आम। ऑब्जेक्टिव नंबर 34, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या कार्य है। चार ऑप्शन है, प्रतिलेखन, स्थानांतरण, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है डीएनए प्रवर्धीकरण। तो इसका ऑप्शन हो आपको होगा डी डीएनए प्रवर्धीकरण। ऑब्जेक्टिव नंबर 35, कौड़ाई की जीवाश्म सामान्यतः किसमें पाए जाते हैं। जीवाश्म किसमें पाए जाते हैं, चार ऑप्शन आपके सामने में है, ऑप्शन ए है रूपांतरित चट्टान में, ऑप्शन बी है आग्नेय चट्टान में, ऑप्शन सी है तल छठी चट्टान में, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। इसका ऑप्शन आपको होगा सी तल छठी चट्टान में। ऑब्जेक्टिव नंबर 36, कौड़ाई की रेट्रो विषाणु निम्नांकित किस बीमारी का रोग जनक है। रेट्रो विषाणु निम्नांकित किस बीमारी का रोग जनक है, चार ऑप्शन आपके सामने में है, ऑप्शन ए है सिफिलिस, ऑप्शन बी है एड्स, ऑप्शन सी है फाइलेरिया, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा एड्स। ऑब्जेक्टिव नंबर 37, कौड़ाई की निम्नांकित में कौन प्लाज्मिड कौन है। निम्नांकित में
प्लाज्मिड कौन है? तो यहाँ पर देख सकते हैं PBR 322, 37 का सही ऑप्शन आपको होगा सी PBR 322। अगला ऑब्जेक्टिव नंबर 38 है कि TI प्लाज्मिड निम्नांकित में से किससे प्राप्त किया जाता है? चार ऑप्शन है, एग्रोबैक्टीरियम, राइजोजिन्स, ऑप्शन बी है एग्रोबैक्टीरियम ट्यू मिफेसियंस, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन सी है बेसिलस सबटाइलिस। तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी ए और बी दोनों। ऑब्जेक्टिव नंबर 39, कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता? तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी ऊर्जा का, इनर्जी का। ऑब्जेक्टिव नंबर 40, कड़ाई की निम्नलिखित में से जैव आवर्धीकरण का कारण किसे माना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी DDT। ऑब्जेक्टिव नंबर 41, कड़ाई के नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है? चार ऑप्शन है, मक्का, गेहूं, एक चावल। इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी चावल। ऑब्जेक्टिव नंबर 42 लास्ट ऑब्जेक्टिव है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक मार दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल पर आपको मैथमेटिक्स का सजेशन मिलने वाला है, साथ ही मैथमेटिक्स का सही आंसर की भी मिलेगा। ऑब्जेक्टिव नंबर 42 GAATTC निम्नांकित किसका रिकॉग्निशन साइट है? तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए इको राई, ऑप्शन ए। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर 42 ऑब्जेक्टिव में से सभी का सही आंसर की जाना, एक दो ऑब्जेक्टिव बच गए हैं जिनका सही आंसर की आप लोगों को नहीं मिल सका है, वो आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जिस स्टूडेंट ने शुरू से नहीं देखा है तो आप वीडियो को शुरू से पहले कर लीजिए।